लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिया, प्रिया बेटी कहाँ हो? तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मेरा मतलब है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैं वो प्रिया बेटी को लेने आया हूँ। बच्चे बाहर घूमने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। मतलब घर में कोई नहीं है? क्यों नहीं, मैं जो घर में हूँ। प्यारे, आज बड़ा अच्छा मौका है, आज बात नहीं कर सका तो फिर कभी नहीं कर सकेगा। अनु जी, वो रितु को देखने जो लड़का आया था, वो पसंद आ गया रितु को? जी हाँ, लगता है शादी जल्दी ही हो जाएगी। चलो अच्छा है, लेकिन रितु के शादी के बाद तो आप बिल्कुल अकेली हो जाओगी। किया भी क्या जा सकता है। नहीं, वैसे प्रिया के शादी के बाद मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल अकेला और तन्हा हो जाऊंगा। सुना सुना घर काटने को दौड़ेगा, इसीलिए तो मैं दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं क्या? क्या करूं, दिन भर मुजरिमों के पीछे भागता हूं, रात को घर आने का कोई बहाना तो होना चाहिए ना। शॉर्टकट में एक बात बोलूं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। कोई लड़की देख रखी है क्या? पिछले 2 साल से देख रखी है, 50% बात भी तय हो चुकी है। 50%? जी हाँ, 50% मेरी तरफ से, 50% बची है उसकी तरफ से। तो फिर उसे आप पूछ क्यों नहीं लेते? क्या करूँ, अब डर लगता है कहीं नाराज ना हो जाए। मर्दों में यही तो सबसे बड़ी खामी होती है, बिना बात के डरते हैं। अनु जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। शायद बच्चे आ गए। नालायकों को इसी वक्त आना था। अरे आ गए तुम लोग, प्रिया तुम्हारे डैडी आए हैं। क्या? हाँ। आप कब आए? अभी अभी बेटी, अभी अभी। नमस्ते, नमस्ते बेटी। कैसा? नालायको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप इन्हें जानते हैं अंकल? अरे बहुत अच्छी तरह, कमीने कहीं के, हफ्ते भर से गायब है दोनों। तुम दोनों को मालूम है तुम्हारे डैडी तुम्हारी वजह से कितने परेशान है? इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम तो बोलकर भी आए। देखिए ना, खामखा लोग बोलते हैं कि दुनिया बड़ी है। अब आप ही देख लीजिए, आप गुलशन को भी जानते हैं। गुलशन? रंजीत को भी जानते हैं। रंजीत? और इनके डैडी हीराचंद को भी जानते हैं। हीराचंद? ये हीराचंद कौन है? अंकल, ये आपकी कमाल की भूलने की आदत है। हाँ, कल ही आप हमारे डैडी से मिले। लो अभी आप पूछ रहे हैं कि हीराचंद कौन है। नहीं, लेकिन उस हीराचंद का तुम्हारे डैडी से क्या ताल्लुक है बुन्नू? बुन्नू? हाँ बुन्नू। ये बुन्नू कौन है? ये बुन्नू। ये क्या चक्कर है मुन्नू? मुन्नू? ये देखिए आंटी, अंकल मुझे भी गलत नाम से पुकार रहे। अंकल मेरा नाम मुन्नू नहीं है, रंजीत है। रंजीत? अरे ये तो बजरंगी है ना, या और कोई है? अंकल ये तो बजरंगी है और ये गाड़ी भी स्टार्ट कर चुका है। क्यों? इसलिए कि हम लोग को अभी यहाँ से भागना है। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अनु जी, मुझे लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हसमुख के लड़के हैं, गुलशन और नहीं, मेरा मतलब है बुन्नू और मुन्नू। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब। क्या भाई साहब? मुझे विटामिन की गोलियां चाहिए। चोलिया? वो लेडीज सेक्शन में सामने। चोलिया नहीं, मुझे गोलियां चाहिए। मूलियां? वो वेजिटेबल सेक्शन में। मूलियां नहीं, मुझे विटामिन की गोलियां चाहिए। विटामिन की गोलियां? हाँ। अरे वो तुम्हारे मूंछ के छपरे में होंठ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हैं बहुत सारी गोलियां, ऐसी गोलियां कि पुलिस की गोली असर नहीं करेगी। अभी लाता हूँ। बताओ हीरे कहाँ है? छोड़ दो, बता, कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। हाँ ये बराबर, ये लो भाई। अरे ये किधर है? ये भाई कमाल है मैंने। अरे ये कौन?
बड़ी जोरदार खुशबू है। अरे नीलांबर, मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, सब ठीक तो है ना? आए, आए। नहीं, इसको तो ले जाना है। अब ये कहां गए? नीलांबर, नीलांबर कोई लेटा है आंखें बंद करके। नीलांबर, नीलांबर, अरे ये क्या? अरे यहाँ तो खून हो गया। खून? खून किसने किया? हाँ? किसने किया मालूम नहीं, मगर ये आदमी मर गया। अरे पुलिस, हैंड साहब हथियार फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। ये पुलिस वाला क्या बोल रहा है यार? तुम्हारे हाथ में हथियार है? हथियार हाँ है ना, तो फेंकना। अरे बाप रे, क्या हुआ? गोली, गोली चली। गोली चली? वो भरी हुई थी। पकड़ो, पकड़ो इन दोनों को, जल्दी जल्दी आओ। अरे पकड़ो, पकड़ो। अरे कुछ नहीं किया, अरे क्या करो, कुछ नहीं किया। पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी, लाश तुम्हारी दुकान में। चलो चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे कुछ नहीं किया, अरे आपने कुछ नहीं किया। बहन की जोड़िया गाँव की गोरिया, जाने मन की बतिया हमारे। क्या हो गया तुझे? एक मिनट माँ, एक मिनट ठहर जरा। यार ये कैसा एक्सीडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजा पर चढ़ गई और ये बेचारा पागल हो गया। और हम पागल नहीं हुए। ये देखिए, सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ, रात में। बड़ी कलेजे में ठंडकते रहे और मार इसे। अरे माँ, मैं कोई लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ न जाए इसलिए मार देता हूँ। क्या अब भी विश्वास नहीं करेगा? जा डॉक्टर को बुला, जा। नहीं नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता, अभी करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे मुन्नू, क्या हो गया तुझे? अच्छा तो तू पीताम्बर है और ये नीलाम्बर है? नहीं साहब, फिर मैं पीताम्बर हूँ और ये नीलाम्बर है। अच्छा नीलाम्बर, अभी सच सच बता, असली बात क्या है? अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, बोलता क्यों नहीं? सर वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। अच्छा तू बता, तूने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? हाँ, क्या देखा? साहब उसको दिखता नहीं, अंधा है। अंधा है? अरे अंधे भैरो, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा। सुना नहीं था साहब, मैंने मैंने सूंघा था। सूंघा था? हाँ। क्या 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 सूंघा था? एक औरत की खुशबू सूंघी थी। अरे साला अंधा, कमीना चालू, औरत की खुशबू सूंघता है? अच्छा अच्छा तू बता, तूने वहाँ क्या देखा था? अरे ये बहुत फास्ट बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। क्यों क्यों क्यों? उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने होंठ आहिस्ता नहीं हिलाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछता हूँ, तूने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ एक लड़की की दो नंगी टांगे जाती हुई देखी। अरे सालो, एक औरत की खुशबू सूंघता है, एक औरत की टांगे देखता है, ये फिर बात बोल रहा है? आहिस्ता आहिस्ता बोलिए साहब, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे पास आहिस्ता बोलने के लिए फुर्सत नहीं है। अरे तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा, देखिए आप होंठ हिला हिला कर पूछिए तो उसको समझ में आएगा। ऐसे हिला 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 के बोलो। मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछता हूँ, खून किसने किया? फोन किसने किया? खून 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 किसने किया? खून हमने नहीं किया। तुमने खून क्यों नहीं किया? हमको खून करने की आदत नहीं है सर। आदत नहीं है? तुमको खून करने की आदत क्यों नहीं है? अगर खून करना इतना जरूरी है तो फिर हम आपका खून कर देंगे। हवलदार जल्दी आओ, हवलदार इन दोनों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दो। सर ये दोनों तो पहले ही पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। यस सर। मुझे सिखाते हो क्या? आए, बंद कर दो इन दोनों को अंदर। इन नांदो भैरों ने तो मुझे पागल बना दिया। हीरा पन्ना मुझे पहुंचा दो। कहाँ सर? पागल खाने? सर मैं पहुंचा दूं आपको। कहाँ है तुम्हारे साहब? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? है
जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? गलती आपके बेटों ने की है। जानते हैं उन्होंने क्या किया है? पिछले 7 दिनों से उन्होंने मुझे और मेरी भांजियों को बेवकूफ बना रखा है। बोलो, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? मेरे भाई का खून क्यों किया तुमने? बोलो, जवाब दो। होश में आओ, क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चालू। कौन है रही है? कौन है साला? कानून के घर में आकर खुद कानून तोड़ने की बात करता है? मैं मनीष का भाई हूँ। हाँ। और ये दोनों मेरे भाई के खूनी है। पागल है क्या? पागल है? खूनी? अरे तेरा भाई खुद एक खूनी था, मुजरिम था। क्या? मेरे भैया मुजरिम थे? हाँ। बड़ा चालाक और अव्वल दर्जे का मुजरिम था तेरा भाई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, मेरे भैया तो देवता थे। अच्छा? इंसानियत और सच्चाई की एक जिंदा तस्वीर थे। जरा पुलिस का रिकॉर्ड देख। पुलिस का रिकॉर्ड? तेरे भाई के नाम इतने जुर्म थे कि देखते देखते तेरे भेजे का भेजा फाय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तेरे भाई की असलियत बता रहा हूँ। मेरे बाप 10 करोड़ के हीरो के चक्कर में मारा गया। मेरे भैया? मेरे भैया मुझे नहीं हो सकते।